तेनाली रामा को आज मिली है दुगनी खुशी, क्योंकि स्वयं महाराज कृष्णदेव राया अपनी दोनों ही रानियों के साथ उनके घर जो पधारे हैं और साथ में एक बड़ा सा थाल लाए हैं, 56 भोग का थाल, जिसने तेनाली रामा और उनके परिवार को ढेर सारी खुशी दे दी है। आज बड़ा ही खास दिवस है, क्योंकि आज महाराज हमारे घर पर पधारे हैं। महाराज दरबार में अपने आसन पर बैठते हैं और यहाँ भी महाराज का एक स्पेशल आसन है जो उनके साथ हर जगह घूमता है। तो आप देख सकते हैं महाराज का आसन कितना स्पेशल है। एकदम यहाँ पे बॉटल होल्डर है और यहाँ पर जिप है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है महाराज ने। तो महाराज, मेरे घर पर पधार कर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा छोटा घर है, गरीब टाइप का है, लेकिन चलेगा। आई टेल यू दिस रिच महाराज, आई एम टेलिंग यू। राजा ने अपने इस खास मंत्री को अपने हाथों से खीर खिलाई है और तेनाली का व्रत भंग करवाया है। जितनी खुशी तेनाली को है उतनी ही खुशी राजा को भी है। तो उसके घर आकर अच्छा लगा और अपने हाथों से पायसम खिलाने वाला हूँ मैं पंडित रामकृष्ण। महाराज ने 56 भोग बनवाए हैं मेरे लिए और जिसमें से तिरुमा लंबा महारानी ने कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि अगर वो उन्होंने बनाया होता तो हम नहीं खाते। और ये लेकर आए हैं मेरा व्रत तोड़ने के लिए, जो माँ के आभूषण वापस आ गए, माँ के आभूषण चोरी हो गए थे, जिसके लिए मैंने व्रत लिया था कि जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं खाऊंगा नहीं। तो महाराज स्वयं आए हैं मेरा व्रत तोड़वाने के लिए। चलो, तेनाली का व्रत सफल हुआ और वो कोशिश भी, जिसके कारण महाकाली के गहने वापस आ गए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।